हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई नो यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट। सो आज हम बात करेंगे स्किन में। सोरासिस अक्सर पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखा है कि मोर लाइक गट इश्यूज ज़्यादा होते हैं सोरासिस में पेशेंट को। इधर उन्हें कोलाइटिस बन रहा होता है, और एक मैंने नई कंडीशंस देखी है जिसे बोलते हैं लीकी गट। तो आज हम समझेंगे कि कैसे लीकी गट सोरासिस इनिशिएट कर सकता है या आपका सोरासिस एग्रावेट करता है, और आपको अपने गट को ही ठीक करना पड़ेगा, अपने गट की लाइनिंग को हेल्दी बनाना पड़ेगा, उसके डैमेज को ठीक करना पड़ेगा, जिससे आपका सोरासिस ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगा। तो लीकी गट बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो इंटेस्टिनल वॉल्स होती हैं उसमें इंजरी हो जाती है, और उसके जो उसमें से अब जब इंजरी हो गई तो उसका फंक्शन कम हो गया। जब फंक्शन कम हो जाएगा तो सारे बैरियर्स वो तोड़ देगी, जैसे वो एज अ बैरियर का काम करती है। अक्सर जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं या गंदे बैक्टीरिया जो गट में बनते हैं या होते हैं, उनको वो रोकती है अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने से। बट जब लीकी गट कंडीशन हो गई है, हमारी वॉल इंजर्ड है या डैमेज्ड है या कम फंक्शन कर रही है, उस केस में जितने भी टॉक्सिन्स हैं और गंदे बैक्टीरियाज हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोरासिस जैसी समस्याएं आपको बनती हैं या सोरासिस एग्रावेट हो जाता है, और आप इतनी मेडिसिन कराते रहते हैं असर आपको कहीं नहीं दिखता। तो हमें अपने लीकी गट को कैसे ठीक करना है जिससे हमारे अंदर हेल्दी बैक्टीरिया बने, और हेल्दी बैक्टीरिया ही ब्लड स्ट्रीम में लीकेज हो या ब्लड स्ट्रीम में जाए और टॉक्सिन्स और गंदे बैक्टीरिया हमारे गट में कम हो जाएं और हमारे ब्लड स्ट्रीम से भी वो बाहर निकलने शुरू हो जाएं। तो सबसे पहले अपने डाइट में आपको आज मैं डिस्कस करूँगी कि कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करने जिससे आपका लीकी गट ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपका सोरासिस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक ऐड करें। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर्स पे। एंटेरोजर्मिना का बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक को जितना ऐड करेंगे वो प्रमोट करता है आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया को। अब जब हेल्दी बैक्टीरिया गट में बन रहा है तो ऑब्वियसली अगर लीकी गट कंडीशन भी बनी हुई है तो वहाँ से लीकेज भी हेल्दी बैक्टीरिया की ही होगी ब्लड स्ट्रीम में, और टॉक्सिन्स और बैड बैक्टीरियाज अंदर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे। तो आप प्रोबायोटिक लें, आप एंटेरोजर्मिना का प्रोबायोटिक ले सकते हैं, मैंने नाम भी बता दिया यहाँ पे ब्रांड का या सप्लीमेंट का। नेक्स्ट, आप अपने डाइट में मिल्क थिसल के सप्लीमेंट्स आते हैं। एमवे बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे मेडिकल सप्लीमेंट्स बनाती है, ट्रस्टेड है। तो आप कोई भी ऑर्गेनिक या एमवे के मिल्क थिसल के कैप्सूल्स या टैबलेट्स कंज्यूम करें। इससे क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम से, और आपके गट में जो लाइनिंग है जो लीक हो रही है उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसका जो बैरियर का फंक्शन है उसको प्रमोट करता है। तो आप इसके कैप्सूल्स या सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। नेक्स्ट, आप HCl और पेप्सिन के टैबलेट्स आती हैं, जिसमें HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक, हमारा जो HCl है एसिड है, ये पेप्सिन के साथ। पेप्सिन बेसिकली हमारा एक एंजाइम होता है एलिमेंट्री, जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं तो पेप्सिन एक हमारा एक्टिव एंजाइम है जो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, और जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में, कि प्रोटीन की डाइजेशन या प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में और एंड प्रोडक्ट आपको बना के देगा। तो जब भी आप प्रोटीन इंटेक करते हैं या ऐसा कुछ भी इंटेक जा रहा है जहाँ पे HCl और पेप्सिन का काम है, तो उसको वो ब्रेक डाउन अच्छे से करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है। तो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप आयरन आपकी बॉडी में कम है, आप टेस्ट कराइए आयरन फेरेटिन का या CBC का। हीमोग्लोबिन कम है तो आप प्लीज़ आयरन को प्रमोट करें, आयरन के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। अगर आपका आयरन एक रिक्वायर्ड अमाउंट में होगा बॉडी में, तभी रेड ब्लड सेल्स आपके बनेंगे, और जब रेड ब्लड सेल्स हेल्दी बनेंगे, जल्दी जल्दी रिप्लेस होते रहेंगे और वो हेल्दी बनते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली सोरासिस भी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो जहाँ जहाँ सोरासिस के पैचेज हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स की ग्रोथ अच्छी प्रमोट हो जाएगी। नेक्स्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो आपकी बॉडी में B12 डेफिशिएंसी है या ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, आप वो कंज्यूम करना शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी में जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अच्छे से मेटाबोलाइज हों, वो अच्छे से एनर्जी लेवल्स कंज्यूम करें, और डेफिशिएंसी छोटी छोटी आपकी बॉडी में पूरी होती रहे।
नेक्स्ट आप मैग्नीशियम के कैप्सूल्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिन्हें सोरासिस में प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती या ज़्यादा सोचते हैं, पूरी रात करवट लेते लेते बदल जाती है, वो मैग्नीशियम के कैप्सूल ट्राई करके देखें। ये छोटी छोटी कुछ हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी से हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बट बहुत कुछ हो जाता है। लोग B12 को भी बहुत नॉर्मली समझते हैं कि B12 कम होने से भी कोई असर नहीं पड़ता, बट लेट मी टेल यू दिस, अगर B12 आपकी बॉडी में कम है तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आप अपने डेजा वू में चलें या आप लॉस्ट चलें, आप एकदम कॉन्शियस नहीं हो पाते या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या आपको मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आने लग जाते हैं, आप भूलना शुरू हो जाते हैं। तो आप B12 को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें। B12 बहुत ज़रूरी है बॉडी में, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारे अनीमिया बन जाते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो B12 के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। लास्ट, जो मैं हर वीडियो में अक्सर बोलती हूँ, विटामिन डी को आप ना छोड़ें। विटामिन डी आजकल आपको सूरज की रोशनी से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग अगर आप बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर लें, लेकिन लेट आफ्टरनून में आप सन को अवॉइड करें, उससे आपकी बर्निंग और इचिंग बढ़ जाती है। आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में जितने भी कैल्शियम का सिंथेसिस है या लिवर के सिंथेसिस है, जो लिवर हेल्प कर रहा है, विटामिन डी लिवर को हेल्प कर रहा है फंक्शन प्रमोट करने में, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं विटामिन डी के, तो उसको भरपूर आप पूरा करें। तो ये कुछ एड ऑन्स हैं जिनको आप अपने डाइट में मॉडिफाई करके, अपने लीकी गट को ठीक करके सोरासिस को ठीक कर सकते हैं। और शायद आपको पता नहीं चल रहा कि मैं इतनी मेडिसिंस खा रहा हूँ, हर जगह से खा रहा हूँ, मेरी भी खा रहे हैं इनफैक्ट, और देखा होगा आपने कि ठीक हो रहा है या फिर एक हद पे एक मतलब रिजल्ट्स नहीं आ रहे, डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, या बहुत लंबे समय से ट्रीटमेंट आपका चल रहा है या रिलैप्स हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका भी कहीं लीकी गट ना बन रहा हो। तो आप ऐसी ही चीज़ें प्रमोट करें जो आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करें। और अगर आपको अपने सोरासिस का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और इसका एक सही सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।